हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइट वंडर। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है लाइफस्टाइल बेसिक, जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेशियल के 10 फायदे। एक कॉमन थिंकिंग है जो कि मैंने लोगों के बीच में जाकर के अनुभव की है, वो ये है कि फेशियल कराने से हमारी रंगत में निखार आता है, हम एक शेड गोरे हो जाते हैं। और सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए लड़कियाँ फेशियल की ओर भागती हैं, लेकिन इस बीच में वे फेशियल के दूसरे सारे फायदों को जान भी नहीं पाती हैं, या फिर दूसरे फायदों को जानती नहीं है, इसलिए वो फेशियल करवाती भी नहीं है। क्योंकि हम सभी की स्किन अलग अलग है, सभी की स्किन प्रॉब्लम्स अलग अलग है। इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं जिनका ट्रीटमेंट फेशियल कराने के दौरान भी हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फेशियल के और सारे फायदे कौन से हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और वीडियो पर जाने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इसके साथ ही अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरा फेसबुक पेज द इनसाइट वंडर को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए शुरू करें हम अपना आज का वीडियो। सो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं फेशियल के सबसे पहले फ़ायदे की। तो मैं बताऊँ कि जब भी आप फेशियल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपका चेहरा बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर दिया जाता है। फेशियलिस्ट आपके स्किन के टाइप को अच्छे से समझते हैं और वे उसी से जुड़े हुए इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आपके चेहरे को क्लीन करते हैं। मैं बताऊं कि पहले चरण में ही इस प्रक्रिया को अपना लिया जाता है, जिससे आपका चेहरा पोल्यूशन फ्री हो जाता है। ये आपके स्किन को हेल्थी बनाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। चलिए अब बात कर लेते हैं फेशियल के दूसरे बड़े फायदे की। तो ये है कि ये हमारे स्किन को एजिंग से प्रिवेंट करता है। फेशियल के दौरान हम जो भी स्टेप्स अपनाते हैं, जिसमें कि मसाज और दूसरे सारे स्टेप्स हैं, उनको अपना करके क्या होता है कि ये हमारे फेशियल सेल्स को रीजेनरेशन के लिए बूस्ट करना शुरू कर देता है। इससे हमारे स्किन के सेल्स जो होते हैं वो रीजेनरेट होते हैं और हमारा स्किन यंगर दिखने लगता है। चलिए बात कर लेते हैं फेशियल के तीसरे फायदे की। तो मैं बताऊंगा इसकी, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है। फेशियल के दौरान हम जो स्टेप्स अपनाते हैं, इससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स हमारे फेस तक पहुंचते रहते हैं। इससे हमारे फेस की स्किन जो है वो हेल्थी और ग्लोइंग भी बनती है। फेशियल के चौथे फायदे की बात करें तो मैं बताऊं कि ये हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। फेशियल के दौरान जो फेशियलिस्ट होते हैं वे डिफरेंट तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे स्किन से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को अच्छे से रिमूव कर दिया जाता है। इससे हमारे जो ब्लॉक पोर्स है वो खुल जाते हैं और हमारी स्किन फिर से ब्रीथ करने लगती है। चलिए बात कर लेते हैं फेशियल के अगले फायदे के बारे में। तो मैं बताऊंगा इसकी, फेशियल जो है वो हमारे एक्ने को भी ट्रीट करता है। शोध के दौरान ये पाया गया है कि सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि मैक्सिमम फेशियल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और ये एक्ने को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक कारगर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आप भी एक्ने की समस्या से जूझ रहे हो तो आप बिल्कुल फेशियल ट्रीटमेंट ले सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपकी एक्ने की समस्या को कम ज़रूर करेगा। चलिए बात करते हैं फेशियल के अगले फायदे की। तो मैं बताऊं कि फेशियल आपकी स्किन को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर देता है। एक्सफोलिएशन में सीए आपके चेहरे पर रह रहे डेड सेल्स को हटा देता है, जिससे उसके नीचे दबे हुई आपकी असली रंगत, आपका असली निखार सामने आ जाता है और ये आपके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई और प्रभावी बना देता है। फेशियल के अगले फायदे में बात यह है कि ये आपकी स्किन को टाइट करता है। फेशियल के दौरान जो भी हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जिसमें कि केमिकल पिल्स है, जेल मसाज है और दूसरी तरह के स्टेप्स है, जिसमें क्रीम है, मास्क है, इस तरह के चीज़ों का, इस तरह के स्टेप्स का हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर, जिससे हमारी स्किन जो है वो टाइट होने लगती है और ये हमारी बढ़ती हुई एजिंग को चेहरे पर नहीं दिखाता है। तो जब भी हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ ज़्यादा महसूस होने लगे या ऐसे लगे कि 30 के बाद हमारा चेहरा जो है वो उतना कसाव भरा नहीं है, इसमें ढीलापन आ गया है, तो आप ज़रूर फेशियल ट्रीटमेंट लें। ये आपकी झुर्रियों को प्रिवेंट करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा। फेशियल का जो अगला फ़ायदा है वो ये है, ये आपके आई बैग्स और डार्क सर्कल को भी रिमूव करता है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि फेशियल ट्रीटमेंट के दौरान खीरे के दो टुकड़ों को आंखों पर रख दिया जाता है, उसके बाद पूरे स्किन का यानी कि पूरे चेहरे का फ्रॉम फेस टू नेक ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद मैं बताऊं कि खीरे के टुकड़ों को हटा करके अंडर आइज का भी कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। सिंस वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो वहाँ उसे जेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।
ऐसे में लेटर ऑन पूरे फेस के फेशियल के बाद उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, और इस तरह से अंडर आइज जो है और जो डार्क सर्कल्स हैं वो रिमूव होते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आपके चेहरे पर दिखाई देना बंद हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं फेशियल के एक अगले बेहतरीन फायदे के बारे में। तो मैं बताऊं कि ये आपकी पूरी स्किन को इवन टोन देता है। यस, कभी कभी एक्ने की वजह से या सनबर्न की वजह से हमारे चेहरे पर डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं जो कि बहुत गहरे होते हैं। फेशियल के दौरान ये डार्क स्पॉट्स कम होते जाते हैं और फाइनली आपके स्किन को एक इवन टोन लुक मिलता है, पूरे स्किन पर एक जैसा निखार मिलता है। तो बात ये है कि जो लोग सोचते हैं कि फेशियल से उनका रंग गोरा हो जाता है, वो गोरा नहीं बल्कि वो इवन टोन होता है, जिसके कारण से आपके पूरे चेहरे का निखार फ्रॉम फेस टू नेक एक जैसा हो जाता है और वो देखने में बहुत ही खूब लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर पॉइंट है जो कि फेशियल के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि फेशियल ट्रीटमेंट आपकी स्किन की ऑब्जर्विंग एबिलिटीज को बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि ये आपके रोम क्षेत्र को अच्छे से खोल देता है, क्लीन करता है, जिससे आप कोई भी ट्रीटमेंट इसके ऊपर लेते हो, कोई भी क्रीम यूज़ करते हो तो वो बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व होती है। मैं बताऊं कि अगर आप फेशियल ट्रीटमेंट से पहले किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को या महंगे महंगे प्रोडक्ट्स क्रीम खरीदते हो और आप सोचते हो कि वो रिजल्ट नहीं आया जितना कि बताया गया था, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपके स्किन के ऊपर डेड सेल्स हैं, जिसके कारण से आपकी स्किन उन प्रोडक्ट्स के यू नो यूजफुल इन्ग्रीडियंट्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रही है, वो अपने अंदर खींच ही नहीं पा रही है, जिससे उसकी जो है वो निखार जो है वो अंदर से निकल कर सामने आए। ऐसे में अगर आप फेशियल ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो आपकी स्किन के जो है वो ऑब्जर्विंग एबिलिटीज़ को बढ़ा देता है, जिससे आप कोई भी अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हो अपने चेहरे पर तो बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व होता है और उसका रिजल्ट भी बेहतरीन होता है। सो गाइस, ये तो था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं फेशियल कराने के 10 फायदे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।